ये वही चीज थी कि जब भी बलूच जोतकारों को रोकना पड़ता है तो इनके घर की बीवियों को उठा कर ले जाते, इनकी माँओं को उठा कर ले जाते। जो आकिम है वो ये सोच रहा है कि बलूच तो शायद हम इस तरह करेंगे तो वो रुक जाएगा, मगर वो रुकने वाला नहीं है। ये जंग जालिम और महकूम के दरमियान की जंग है, उस तजाद की जंग है जिस तजाद की वजह से मजलूम से उसकी जिंदगी की तमाम हकूक छीन लिए जाते हैं। और ये जंग शिनाख्त की जंग है, और इस जंग को आगे बढ़ाया है तो इन्हीं शहदा ने बढ़ाया है, इन्हीं शहदा के खून ने बढ़ाया है। क्या वो हमारी शिनाख्त खत्म कर सकता है? कभी नहीं। उससे पहले बरतानिया ने ये कोशिश की थी मगर ख़त्म नहीं कर सका। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस ऐद का हिस्सा हूँ जिस ऐद में करीमा पैदा हुआ, इस ऐद का हिस्सा हूँ जिस ऐद में करीमा की लाश ने भी मुकदमा की। अगर करीमा को अपनाना है तो पूरा अपना, उस नजरिए को अपना जो करीमा का था। अगर नहीं अपनाना है तो इसको टुकड़े टुकड़े करके नहीं अपना। वो एक वुमेन एक्टिविस्ट नहीं थी, वो एक बलोच रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थी। उसने उस जगह को पाया है जिस जगह तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। उसने औरत को बताया है कि अगर चाहते हो कि तुम पर इस समाज में तुम्हें वो मकाम मिले तो तुम्हें इस समाज की तामीर में अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अब तुम जो है ना नंगो नामूस के नाम पर अपना एक कमजोर खुद नहीं बन सकते, और इस कमजोरी को अपनी जो मर्द गजरात है जो भाई है उनकी भी कमजोरी तुम नहीं बन सकते। निकलो निकलो, हर गली से हर कूचे से निकलो और करीमा के उस पैगाम को आगे बढ़ाओ, वो झंडा जो उसने उठाया है उस झंडे को आगे बढ़ाओ। हो सकता है कि हर दौर में जालिम ने बस एक ही हथियार अपनाया है, वो खौफ का है। आज इस तादाद को देखकर मुझे खुशी मिली कि शायद कुछ लोग अब भी इस खौफ से जीत कर यहाँ आए हैं। और अगर मरना है, मौत तो एक नेगेटिव ऐसा पर्दा है जो पश्चात हो ही जाता है, कभी ना कभी हर किसी को मरना ही पड़ता है। तो फिर ऐसे मरो कि तुम्हें कोई तारीफ में फरामोश न कर सके, तुम्हारा नाम उस तामीर में आ सके, बलोच कौम की उस तामीर में आ सके जो इस दुनिया की मुजहमती जद्दोजहदों में सबसे आला मकाम पाएगा, क्योंकि यहाँ